नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात करें इस वीडियो में आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 यानी कि जो फिल्म आ रही है आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, उस फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है उसके बारे में बात करते हैं। इस ट्रेलर में हमें क्या खास देखने को मिलता है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस ट्रेलर से हमारे ऊपर, और इस ट्रेलर के अंदर जो कहानी पिरोई गई है वो किस प्रकार से सामने आती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर में हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है कि जो लीड एक्टर के तौर पर हमें इसमें आयुष्मान खुराना दिखते हैं और उनके साथ कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो सपोर्टिंग रोल में उनके साथ नजर आने वाले हैं। वहीं अगर बात करें कि किसी बड़े चेहरे की जो एक्ट्रेस के तौर पर नजर आए, तो वो चेहरा कोई नजर नहीं आता। आयुष्मान खुराना के साथ कोई बड़ा चेहरा लीड एक्ट्रेस के तौर पर नहीं आता है। पर स्टोरी के ऊपर आए तो स्टोरी में हमें साफ तौर पर दिखाया जाता है आर्टिकल 15 यानी कि 1950 का जो कानून है उसके तहत ये फिल्म बन रही है, यानी कि उसके उसके आधार पर कहानी बन रही है। यानी कि किसी को भी उसके जाति, धर्म और रंग या किसी प्रकार से भेदभाव या उसके हिसाब से ना बांटा जाए समाज में, तो उस समानता के अधिकार पर ये फिल्म बन रही है। अब इस फिल्म की अगर स्टोरी को थोड़ी सी बात की जाए तो इस स्टोरी में साफ तौर पर पता चलता है कि आयुष्मान खुराना जो एक पुलिस ऑफिसर है उनका एक केस पहुँचता है, जिस केस में ये देखने को मिलता है कि दो बहनें होती हैं, कजन्स होती हैं, उनका रेप कर दिया जाता है मात्र 3 रुपए के लिए। तो मात्र 3 रुपए के लिए जो उन लड़कियों का रेप किया जाता है, फिर उनको मार के बीच गांव में या एक पेड़ पर टांग दिया जाता है, जिससे ये वो सबसे बड़ी बात होती है कि वो अनुसूचित जाति की लड़कियां होती हैं और उनको इस वजह से मारा जाता है ताकि जो जाति है, जाति वर्ग है, उनके अंदर एक मैसेज पहुंचे इसकी वजह से कि वो आवाज़ ना उठा सके कि वो अनुसूचित जाति के हैं तो उनकी आवाज़ ऊपर नहीं आ सकती। इस वजह से उनको मारा जाता है, समाज में एक मैसेज देने के लिए जो उनको मारता है, ये होता है कारण। और कारण जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी दिहाड़ी कर रही होती हैं, यानी कि दिहाड़ी वर्कर्स जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो केवल अपनी दिहाड़ी में, रोजाने की दिहाड़ी में मात्र 3 रुपए की बढ़ोतरी करने के लिए बात करती हैं और केवल मात्र इसकी वजह से उनका रेप करके वो टांग दिया जाता है। फिर इसी की लड़ाई को लड़ने के लिए लग जाते हैं आयुष्मान खुराना। वो चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं उनके परिवार को पूरा पूरा इंसाफ मिले। वहीं उसी इंसाफ की लड़ाई को लेकर आगे चलते हैं। वहीं इसमें एक और पहलू दिखता है कहानी में कि वो है तीसरी लड़की का, जिसकी कहानी साफ तौर पर साफ नहीं हो पाई इस ट्रेलर में। बस ये होता है कि उस तीसरी लड़की को खोज रहे हैं आयुष्मान खुराना और जो उनकी टीम है उसको लेकर वो खोज रहे हैं। और सबसे शॉकिंग और सबसे बेहतरीन, अगर मैं कहूँ सबसे इम्पैक्टफुल जो ट्रेलर का सीन है, वो ये है कि एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि जब आयुष्मान खुराना अपनी पूरी टीम के साथ खड़े होते हैं तो सभी के साथ वो जात के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। सभी लोग बताते हैं कि सर आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अनुसूचित जाति का हूँ, मैं निचले वर्ग का हूँ, तो मैं अनुसूचित जाति में कौन से स्थान पर आता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ, इस सभी तरीके की बातें हो रही होती हैं। तो इस पर वो करारा जवाब देते हैं कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि केवल यही लगा रखा है, इस तरीके से बात करते हैं। जो सीन है, पर्टिकुलर सीन, वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप भी ट्रेलर देखिएगा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ओवरऑल ट्रेलर के बारे में बात किया तो फिल्म एक्टिंग के आधार पर बहुत बेहतरीन फिल्म लग रही है और यह फिल्म 28 जून को जब सिनेमा घरों में आएगी तो इस फिल्म का इम्पैक्ट जनता पर जरूर पड़ेगा। बेहतरीन फिल्म होगी मैसेज के साथ ऑडियंस के लिए। वगैरह इस फिल्म को लेकर बात करके इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो अभिनव सिन्हा इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे। अगर राइटर की बात करें तो फिल्म के जो डायरेक्टर है अनुभव सोलंकी, उन्होंने इस फिल्म को लिखा है, उनके साथ मिलकर गौरव सोलंकी ने इस फिल्म को लिखा है। वहीं इस फिल्म के राइटर ये हुए। फिल्म 28 तारीख को सिनेमा घरों में आएगी और आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म समाज में एक बेहतरीन मैसेज लेकर आने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस फिल्म को लेकर हमारे पास जो भी अपडेट्स आती रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।